राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष अतुल चौधरी ने विकास के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अतुल चौधरी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि ग्राम पंचायतों में कागजों पर विकास किया गया है, जिसके चलते उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही है। सीसी खनंजा पंद्रह वित्तीय आयोग से बनता है, पंचायत द्वारा बनाया जाता है, वो उसकी निर्माण कार्य पूरा पंचायत बॉडी करती है। लेकिन जितने पंद्रह वित्तीय आयोग से काम हुए हैं उसको छोड़ के जो मनरेगा का अलग से काम आते हैं उनमें बहुत सारे निमित्ता है और बहुत सारे कार्यों की सीसी जारी हो चुकी है। हम उस पर जाँच कराएंगे, मौके पर जाके काम देखेंगे। जी 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 इसकी बैठक आयोजित की जा रही है। स्वास्थ्य सेवा रोगी कल्याण एक समिति होती है, उसकी बैठक पिछले दो तीन वर्षों से की नहीं गई है, ना ही किसी कर्मचारी अधिकारी द्वारा कोई सूचना की गई है कितनी राशि आती है, कितनी राशि उसमें लगी है, क्या क्या कार्य हुए राशि का, इसकी कोई सूचना नहीं है। सीधे काम होता है, अभी तक अधिकारी कर्मचारी किसी ने प्रतिनिधियों को लेटर लिख के नहीं बोला कि साहब हमारी ग्राम पंचायत में, खुद की ग्राम पंचायत इकलौता में एक अस्पताल है, वहाँ पे आज तक किसी प्रकार कोई बैठक नहीं हुई। पिछले तीन साल से तो मुझे संज्ञान में है कि कोई बैठक नहीं हुई है, और राशि भी काफ़ी मात्रा में आई है वहाँ पे, और उसका उन्होंने क्या किया, पेंटिंग कराई है या फिर कोई भी काम किया अस्पताल में, उसकी कोई सूचना नहीं है, ना ही उसके कभी बिल बताया गया है कि भैया हमारे द्वारा ये काम किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं किया गया। जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ में 24 जनपद सदस्य है, और 2400 जनपद सदस्य से मैं कहना चाहूँगा कि आपका अधिकार है, पांचों आपकी जो ग्राम पंचायत लगती है आपके अधीन है, उसमें आपका अधिकार है कि आपको कोई भी ग्राम पंचायत में काम होता है, कोई कार्यक्रम शासन द्वारा किया जाता है, एक भूमि पूजन या फिर किसी चीज़ का उद्घाटन किया जाता है, उसमें आपको बुलाना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो आप लेटर पर लिख के सीओ साहब को, रीजन साहब को सूचना करिए, तो आपकी उसमें पद की अवहेलना नहीं होगी। और मैं सभी पंचायत के सरपंचों से सचिवों से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी जनपद सदस्य है उनको इस चीज़ के बारे में अवगत किया जाए, लिखित में उनको सूचना की जाए। जैसे आपने बताया कि सचिव रोजगार सहायक जनपद के अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, कैसे भ्रष्टाचार किया जाता है? भ्रष्टाचार में आपको मुझे अवगत कराना, जैसे मेरे पास सूची रखी अभी है बहुत सारे कामों की, जो काम की सीसी जारी हो चुकी है, जो काम अभी धरातल पर फिर आधा पेमेंट हो चुका है, लेकिन धरातल पर वो काम है ही नहीं, तो काम किसकी साठगांठ से होगा? अगर सरपंच ने काम नहीं किया तो किसी साठगांठ से होगा? इंजीनियर ने फोटो का खींच लिया, मूल्यांकन कर दिया, तो मूल्यांकन कैसे किया? अगर काम सीसी जारी अगर हो गई तो फिर काम तो धरातल पर पूरा होना चाहिए ना, आधा काम भी आप सीसी के जारी कर सकते हो, तो ये सब साठगांठ से भ्रष्टाचार होता है। कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी मिले हुए सब 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 लोग मिले हुए हैं, सब लोग मिलजुल के सब काम चल रहा है, पर हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो नई परिषद बैठी है, जो ये जनपद सदस्य, मेरा निवेदन है कि सब लोग साथ में आए और साथ में मिलकर काम करो। आप लोग को भी हमें सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो हम आप लोग को भी बुलाएंगे वहाँ पर। पुजारी पंचायत का भी है, बोकड़ी पंचायत का भी है, सुकली पंचायत का है, ताजपुरा का भी, बहुत सारी पंचायतों का है जो पेपर में आपने पढ़ा होगा अभी कुछ दिन पहले, लेकिन ये कागजी कार्रवाई में ही शिकायत हुई है, कागजी कार्रवाई में उनको कार्रवाई हुई है, बाकी धरातल पे कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। तो माननीय हमारे इस संदर्भ में माननीय विधायक साहब, माननीय हमारे जो पंचायत मंत्री है, उनसे मिलकर इस विषय में चर्चा करूँगा। आपकी परिषद है कांग्रेस की, जिला में परिषद है, माननीय हमारे चंद्र सिंह सोंधिया जी जिला अध्यक्ष जी, उनसे इस विषय में चर्चा करके उच्च स्तरीय कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे हम। पूर्व के जो प्रस्तावित कार्य हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पूर्व में जनपद निधि जो जारी हुई थी उनमें से जो प्रस्ताव किए गए थे, जो बैठक होती है, बैठक में जितने भी प्रस्ताव हुए थे, प्रस्ताव में जो कार्य को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की, आज जनपद में हमारे जो जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ में जो पूर्व में हुए भ्रष्टाचार हैं या जितने भी मनरेगा का कार्य हुए हैं उनमें हुए भ्रष्टाचार को लेकर इस संबंध में आज प्रेस वार्ता की गई है। क्या गई? जैसे खेत तालाब जो कि अभी ऑनगोइंग है, 565 करीब खेत तालाब ऑनगोइंग है और 48 करीब अभी कम्प्लीट हो चुके हैं, जिनकी पूरी राशि सीसी जारी हो चुकी है, और धरातल पर जहाँ तक मुझे सूचना है 50% खेत तालाब है ही नहीं और उनकी सीसी हो चुकी है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं मनरेगा के भी है, कुछ मुझे संज्ञान में आए, दो तीन सरपंचों ने मुझे बताया नए, उन्हें जो मनरेगा कार्य है जो अधूरे हैं उनकी सीसी हो चुकी है, तो उसके संज्ञान, उसको भी अपन संज्ञान में लेंगे, मौके पर निरीक्षण करेंगे जाके, ताकि अपने को पूर्ण रूप से मालूम चले कि कहाँ कितना भ्रष्टाचार हुआ है। और क्या अनियमितताएं हैं यहाँ पर? अनियमितता बहुत सारी है, अभी मेरे पास चारपुरा पंचायत से एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम पीएमओ सूची में था, उसके बाद भी किसी और का आधार कार्ड लगा, किसी और का खाता नंबर लगा के उसकी राशि जारी कर दी गई, उसमें मतलब
पीएमओस में दूसरे का नाम दे दिया गया। ऐसी सभी पंचायत में बहुत सारी अनियमितता पाई जा रही है जिसमें अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत से सब काम हो रहा है। तो अपन ये चाहते हैं नई परिषद बैठी है, पिछला जो कार्यकाल जो भी हुआ है ठीक है, लेकिन अब नए कार्यकाल में ऐसा ना हो। तो इस पर लगाम लगाने के लिए हम मौके पर जाके निरीक्षण करेंगे। मैंने जनपद हमारे सीओ साहब महोदय हैं और जनपद के जितने भी कर्मचारी हैं सभी कामों की सूची मैंने उपलब्ध करने के लिए बोला है। फिर मौके पर उसको निरीक्षण करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे कार्रवाई करवाएंगे। आपकी शैली परिषद बनने के पहले कई मामलों में देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो करेंगे प्रधानमंत्री में क्रम से छेड़छाड़, पहले जो प्रधानमंत्री आवास आए 2011 के सर्वे के हिसाब से आए थे उसमें तो छेड़छाड़ संभव थे नहीं। हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा बहुत सारी पंचायतों में हुआ है जो रोजगार सहायक के ऊपर दबाव होता है जनपद से, तो बेचारे उनको भी कुछ राशि यहाँ पहुँचानी पड़ती है। तो उस चक्कर में क्या है कि वो हृदय से पैसा मांगते हैं, जिनने पैसा नहीं दिया उनको किसी कारणवश उनको आपात कर दिया जाता है। आजकल हर व्यक्ति और मोटरसाइकिल है, हर व्यक्ति के पास संसाधन है, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कच्चे मकान हैं, वो पैसा दे नहीं पाते हैं, तो उनको आपात कर दिया है। अभी दो तीन लोग बैठे हैं मेरे पास आए थे, वो बताए इस चीज़ की जानकारी मेरे को मिली है। आपने कहा दबाव रहता है, किनका दबाव रहता है जनपद? रोजगार सहायकों के ऊपर जनपद से पैसा, जैसे आप मनरेगा के जितने भी काम होते हैं या फिर जितने भी पीएम हाउस है या फिर शौचालय हैं, इसका टारगेट फिक्स होता है। इसका टारगेट ऊपर से आता है ये कहकर कि भैया इतना टारगेट है, 40 मकान का टारगेट है, इससे ज़्यादा हम दे नहीं पाएंगे। और यहाँ से जनपद से पैसा मांगा जाता है कि भैया इस प्रकार से हर पंचायत में हम इतना टारगेट देंगे तो इतना पैसा हमें चाहिए। ये कुछ रोजगार सहायकों का कहना है, हितग्राहियों ने मुझे नहीं बताया। हितग्राहियों को तो क्या है कि 55,000 3,000 किसी से 10,000 ले लिया। और बहुत सारे केस ऐसे भी है जिनके मकान बने बनाए हैं, प्लास्टर नहीं था, उनका फोटो खींच के पैसा जारी कर दिया, उसमें 20-30 हज़ार रुपये तक रोजगार सहायकों ने पैसे लिए हैं। बड़ी संख्या में ऐसे केस हुए हैं जो बने कुएं का तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन खेत तालाब का जरूर है। और बहुत सारे मनरेगा के ऐसे कार्य हैं जो जैसे कि अपना सुदूर सड़क हो गया, पुलिया हो गई, चेक डैम हो गया, सीसी खरंजा, तो सीसी खरंजा 15 वित्तीय ऐसे बनता है, पंचायत द्वारा बनाया जाता है, वो उसकी निर्माण कार्य पूरा पंचायत बॉडी करती है। लेकिन जितने 15 वित्तीय ऐसे काम हुए हैं उसको छोड़ के जो मनरेगा का अलग से काम आते हैं उनमें बहुत सारी निमित्ता है और बहुत सारे कार्यों की सीसी जल चुकी है।